जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में उस समय अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब पंचायती चुनाव के दरमियान वार्ड सदस्य के रूप में रेखा देवी नामांकन करने घोसी प्रखंड पहुंची। प्रखंड में वार्ड सदस्य के रूप में नामांकन के बाद रेखा देवी ने अपने देवर राजेश कुमार से शादी रचा ली। ग्रामीणों के मुताबिक रेखा देवी विधवा महिला की जिंदगी विगत 2 वर्षों से जी रही थी, लेकिन देवर से कुछ दिनों से प्रेम चल रहा था और आज आम लोगों के बीच राजेश ने रेखा देवी को माला पहनाने के बाद सिंदूर भी दे दिया। उसके बाद माहौल खुशी में तब्दील हो गया। यह शादी अनोखी शादी कही जा सकती है क्योंकि पंचायती चुनाव में बहुत कम होते हैं जो चुनाव के दरमियान ही शादी रचा लेते हैं। इस शादी से उसके परिजन काफी खुश हैं और महिला भी काफी खुश है। यह महिला घोसी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के डारपुर गांव की रहने वाली है। इस शादी के बारे में विधवा महिला रेखा देवी जो आज सुहागिन हुई उनके ससुर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी बहू दाम्पत्य जीवन बिताएगी और परिवार की खुशहाली लाएगी। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। बहादुर आदमी अरे कोई डॉक्यूमेंट होगा बड़े क्या क्या हुआ था डहारपुर सुना कर किए थे और सरस में जो खुशी को आके किए तो देवर से शादी हुई साथ में अपना पूरा था उनके साथ में कितना खुश हैं आप जी हाँ खुश हैं जी। पति का क्या नाम है राजेश कुमार। आपका क्या नाम है रेखा देवी। चलिए आप बताइए तो जैसे थोड़ा कम था किस पद के लिए नामांकन था बाढ़ में। अच्छा बाढ़ के लिए बाढ़ के लिए तो बाढ़ के लिए नामांकन था तो नामांकन केंद्र पे शादी किए हैं। हाँ। किससे शादी करा है छोटा बच्चा से क्यों अपना दोनों रहेगा वही थाइयो था ताऊ राजीव खुशी से कर रहा हूँ। तो क्या कारण था इनका शादी पहले से बेटा था ना आपका जो कारण था दोनों के मन है तो बेटा तो था। अच्छा लेकिन मन था तो दोनों कर लिया। अच्छा तो आपके पहले बड़ा बेटा की पत्नी थी ये बड़ा बेटा की पत्नी थी ये तो बड़ा बेटा कहाँ है गुजर गया। अच्छा गुजर गया था तो उसके बाद आप इस समाज के रूप में पहल किए हैं इसका घर बस जाए तो कैसा महसूस कर रहे हैं कुछ नाम खुशी में है खुशी में है। आज नामांकन के दिन आप शादी का प्रस्ताव रखे क्या इसके सर अपने खुशी से क्या हम क्या रखें खुशी से किया तो इसकी खुशी के साथ आप लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका वीरेंद्र प्रसाद। क्या वीरेंद्र प्रसाद कौन हुए आप पिताजी।